बोला तो तोर भाई बात सीने में मैं गोली सीधे दाग जाई भोगे तेनू डाले से पहले मारो से लेके भाग जाई भोगे जय मगध जय बिहार। इंडिया अपना के बोला था उनका इतिहास उठा के देख लीजिए कहीं से आला अपना गई बा कौन गाना गई बा हमें पवन सिंह जरूर दिखी है अंदावला से भाई क्या है ना मैं बोलता नहीं हो जाता जब हम बोलने लगा तो फिर उठा के पटक दे प्लीज आज वादा यू करो भैया कि 2-3 महीना पे वो मांगे ही चाहिए बिल्कुल वादा करता हूँ भोजपुरी तो बड़ी गई लो भैया मगर यही तो चाहिए कि पावर पावर ऐसे से शुरू होला और ऐसे से खत्म हो पावर दूसरा क्यों कहां से ले ली ऐसा भाई ने बोला गाना हर 2 महीना पे 2-3 महीना के बीच में एक मगही गाना पवन सिंह का आजीवन आते रहेगा। बटरिंग तो सब लोग करते हैं लेकिन सच्चाई अगर कोई लाए तो उसी को हम व्हाट इज कॉल्ड की इंसान कहते हैं। भाषा में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, ऐसा कीजिए कि भाषा को बोलने में हमारा मान सम्मान बढ़े। और दो भाइयों ने जिस तरीके से इस प्रतिष्ठा की लड़ाई की है मैं कायल हूं आपका। और एक चीज आपने ऑलवेज बोला है कि आज तक अश्लीलता नहीं है तो सिर्फ पावर स्टार में नहीं है, ये हम लोगों ने फील किया है। भाइयों ने अपने हर एक वीडियो में मोस्टली वीडियो में ये बोलते हैं। और अगर आप दोनों का वीडियो को कोई डिफरेंस करता है तो नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आपके जुबान पे जो सच है वो आप बोलते हैं जो कि मीडिया का पहला कर्तव्य है। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है क्योंकि आज बात मगध की हो रही है क्योंकि आज पावर स्टार मगही बोल रहे हैं। मजा आ रहा है। प्लीज अगली आवाज आप दोनों की। सबसे पहले सारे भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार और विशेष प्रणाम पावर स्टार भैया पवन सिंह को। भाई आज बड़ा गर्व की बात है कि आज भोजपुरिया शेर पावर स्टार पवन सिंह ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं और मतलब निशब्द हूं, क्या कहूं क्या ना कहूं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मतलब भोजपुरिया ब्रह्मांड के सबसे बड़ा सिंगर आज हमारे भाषा में गाना गाए हैं भैया ने मगही में बात करो। मतलब हम हमेशा कहते रहते हैं अपने वीडियो में कि पावर पावर ऐसे से शुरू होला और ऐसे से खत्म हो पावर दूसरा क्यों कहां से ले ली। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मगही में गाना लाने के लिए। बहुत कठिन हुआ होगा आपको ये गाने को गाने में, समझ सकते हैं मगही लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा लैंग्वेज है भोजपुरी से। जहां पे आप दिल से रमेंगे ना बिल्कुल, अगर लगता है ना कि ये मेरा है हमारा है हम सभी का है तो कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज मगही भी बुलाएंगे फोन भैया आपको। बिल्कुल बोलो, सबसे पहले गाना गा के कैसा लग लो भैया? बड़ा भोजपुरी गए हो, लाली पॉप से लेके राती दिया से लेके तहलका मचाए आप, लेकिन मगही गईला के बाद कैसा महसूस हुई थो थोड़ा? निमन लगी थी। कैसा लग लो मगही में हमारा चाहिए भाई बताओ कैसे बोला जी तब बोला बहुत बढ़िया लग लो। एक मिनट के लिए भाई के लिए थोड़ा लगा। बिल्कुल एकदम मगही में कोई फर्क नहीं है, मतलब लाठी उखाड़ फिर फांसा है भाई, तभी हमने बोलते हैं आज मगही और भोजपुरी दोनों साथ मिले हैं। बड़ा लोग रोस्ट किया था हम लोगों को कि मगहिया और भोजपुरिया आपस में बहन होती है, तो साथ में आज पावर स्टार शेर भैया खड़े हैं और हमने भी मगही से चल के आए हैं और पूरे हिस्ट्री का शायद पहला ऐसा इवेंट हो रहा है जो हम लोग आए हैं सिर्फ पावर स्टार भैया मगही में गाए हैं, इसलिए हमारे भाषा में इतने बड़े सुपरस्टार गाना गाए और हमने मगहिया दोनों भाई नहीं आए तो फिर अच्छा नहीं समझते हैं। तो भैया नहीं सकता कि हमारे भाई यहाँ पे ना है। भैया थैंक यू, सौभाग्य हमारा कि आज भोजपुरी के सबसे बड़े पावर स्टार भैया के आशीर्वाद से हम दोनों भाई यहाँ आए हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आज मंच के जरिए भी है भैया, प्लीज आज वादा यू करो भैया कि 2-3 महीना पे वो मगही चाहिए। बिल्कुल वादा करता हूँ, हर महीना नारे पगला कितना गाई। भोजपुरी तो बड़ी गई लो भैया मगर यो तो चाहिए। क्या है हमारे जीवन में, जब से दीपक तो हमारे जीवन में 15 साल से है, बड़ी सॉरी माफी चाहते नहीं नो सॉरी ना इंग्लिश ना लेकिन 3-4 महीने से हमारे भाई जो है दीपक जी लड़ गिल पड़े कि ना हम कहता ना गावत नहीं मरते, पहले कैसेट आ होता है तो कैसेट एक कैसेट में 8 गाना 9 गाना 7 गाना 6 गाना ऐसे होता था,
एक एक गाना के जमाना जब खाली यूट्यूब के आगे डिजिटल जब से हावी हो गए तब से हम बड़ा लिमिटेड काम करत रही अभी भी करेला। मैं गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करता, भले ज्यादा गाना आ होता ये हमारे भाई को सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो मैं इतना गाना गा रहा हूं और हर गाने को आशीर्वाद मिल रहा है आप सभी का। मगही, मैथिली, अंगिका, बचिका, भोजपुरी, हम सब एक परिवार है, कोई अलग नहीं है, हम लोग एक ही परिवार है क्योंकि हमको हर जगह से प्यार मिलता है। तो अपने भोजपुरी में, भोजपुरी से मिलता जुलता आपके भाषा चाहे कोनो भी भाषा से हमके प्यार मिला था, आशीर्वाद मिला था, वो हमारे लिए भगवान है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा भाई ने बोला गाना हर दो महीना पे, दो से तीन महीना के बीच में एक मगही गाना पवन सिंह का आजीवन आते रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद भैया। पहले लोग कहता था कि पावर स्टार है, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग भी एपिसोड में भी बोल रहे हैं इतना जल्दी जल्दी मूड कैसे बन रहा है भैया, मतलब से दर्जन गाना एक महीना में। अगला कलाकार भी है जिन्हें मैं एक फिल्म में डायलॉग आप लोगों ने बड़ा हिट कराया कि पवन सिंह हो बेटा मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कहा ना कि देख हम आराम ढेर करीला उठिला का अरे का खेले अच्छा चल ठीक बोलिया ठीक ना। तो भगवान सबको मौका दें, सबको आगे बढ़ाए, जो जिस लाइन में है अपने अपने लाइन में हर कोई आगे बढ़े, हर कोई नाम कमाए। तो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया सॉरी। हाँ पहले लोग डायलॉग मूड बनने में टाइम लगता है, अब ज्यादा जल्दी बन रहा है, अब जल्दी का करबा पता चला तो हम शूटिंग कैली गाना के तीन महीना पहले, डबिंग नहीं कैले, आ गई गाना आ गई भैया। अच्छा अच्छा मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, देखो क्या है ना मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादा, जब हम बोलने लगा तो फिर उठा के पटक दे नहीं करता हूँ, गब गब नहीं करता हूँ, जितना आवे ला उतने बोली ला उतने समझी ला, जब ना समझ में आई हम चुप हो जाए भैया सॉरी हमके ना बुझाना। शूटिंग हो गया है, एक जना धोन गा दे ले, एक जना मैटर गा दे ले, क्या हो जाएगा उससे? मार्केट में जितने आर्टिस्ट बढ़ेंगे उससे हमारी इंडस्ट्री और बढ़ेगी, न कि किसी के आने से कोई फ्लॉप हो जाएगा। जिसके किस्मत में जो लिखा है, भगवान ने जो लिख के दे दिया है, भेज दिया है, उसको कोई छीन नहीं सकता। अब ऐसा अब हमके 2 बजे रात ही खाली पता चल कि भाई फोन किया, भाई गाना लीक हो गया है, गाना मार्केट में आ गई बात, जाके 2:30 बजे रात ही खाली गौनी। अच्छा ये भी देखिए, वो कहा था कि सर चोरी ऊपर से सीना चोरी, कैसे लोग कर पाते हैं ऐसा एक्टिंग यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ मैंने अगर चुराया तो बोल दे क्या चुराने वाली रे, लेकिन चोरी मैं नहीं करता। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में केकर चोरी पवनवा करी गे, मैं बोलता नहीं हूं लेकिन सबका सम्मान करता हूं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन जो अपना के बोलता उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं से आवाज पर गई कौन गाना गई हमें पवन सिंह जरूर दिखी है। होंगे पावर स्टार वो शख्स है ना, अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, और रणवीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, कोई भी हो, किसी का इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं है, ये जो बोल देते हैं वही ट्रेंड कर जाता है, लोगों के फिल्म का डायलॉग ट्रेंड करता है ना, बिल्कुल लाइव आकर बोल दिया भी ट्रेंड करता है, मतलब पता नहीं भगवान किस मिट्टी से बनाए इस पावर स्टार। और पवन भैया का डायलॉग को विरोधी लोग भी कॉपी करके बोलता है, क्योंकि वहाँ डायलॉग डिलीवरी नहीं होता, काहे कि करने ही नहीं आता है। चलिए भैया ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बार भोजपुरी तो जय जयकार है ही आपके आवाज और सुर से। लास्ट में वीडियो जो बनाते हैं हम, तो एक
जयकारा लगाते हैं, वो जयकारा चाहेंगे कि आप भी अपने जवान साथ हम लोग दोनों मगहिया और भोजपुरिया मिलकर लगाएंगे। और एक छोटा सा वादा रहेगा, क्योंकि हम हो सकता है उस वीडियो को आप नहीं देख पाते होंगे, लेकिन कहना चाहेंगे भैया कि थोड़ा बहुत मतलब 5% हमारे मुहिम से थोड़ा आप भटक जाते हैं, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि 5% जो जिसको लोग चटक मटक कहता है, हम चाहेंगे कि आज के दौर में जिस मुकाम पे आप हैं शायद इससे बड़ा मुकाम और नहीं कुछ होता होगा, तो हमें नहीं लगता कि भैया जरूरत है। एक चीज बाबू जरूर हम शेयर करें, देखिए भोजपुरी हिंदी हमार जौन भाषा, कौनो बात के अगर तू जौना नजरिया से देखो ऐसा तो के वही टाइप के दिखी, ठीक ना। तो कोई भी गाना प्रेम के ही अगर हम गाना गाओ तनी, प्यार के ही अगर हम गाना गाओ तनी, तो इसका उसका अगर हम आंसर सोचेंगे तो क्या होगा, या तो अच्छा नहीं तो बुरा ही होगा। कौन कौन चीज तनी प्रत्यक्ष हो जाता तो मैं माफी चाहता हूं, और हम सब मिलकर मेहनत करें और ऐसा काम करें कि हर समाज में लोग देखें सुने गाएं गुनगुनाएं और सबको छुमाए, ठीक ना। थोड़ा बहुत गलती हो जाना, देखिए भैया इससे बड़ा कोई इंसान नहीं है भैया, आप गलतियों का एहसास कर रहे हैं। आजकल तो भोजपुरी में लोग सोचता है चोरी करे फिर भी कहेगा कि चोर नहीं, कुछ भी करे फिर भी नहीं कहेगा, आप इतना भी एहसास वही पर लाई बाबा तरह से हमारे बातें बात तो हम लाइव ना आई कल बखीसा इंसान के लिए सारा काफी होता है कि वो उतना महान बनता मेल बड़े फीमेल बड़ी हई महानता हौ महानता हई महानता, तो हम जानते नहीं कि तो हमको पते नहीं है तो हम चिंते नहीं है। वाह बहुत आगे बढ़िए, जो बोलता है ना कि हाँ हम क्या बोले ईश्वर सब देख रहे हैं, तो वाकई में ईश्वर भी सब देख रहे हैं और हमारे जनता भी जो है ना वो भी सब जानते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी सुनते हैं, उनको भी पता नहीं है बट बोलते नहीं है, जानते सब है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लव यू गाना थोड़ा सा एक अगर याद है भैया तो गुनगुना देंगे। सुन अरे बोला तो तोर भाई बातो सीनों में गोली सीधे दाग जाई भोगे, बोला तो तोर भाई बातो सीनों में गोली सीधे दाग जाई भोगे, सेनुरा डाले से पहले मारो में लेके भाग जाई भोगे, सेनुरा डाले से पहले मारो से लेके भाग जाई भोगे, जय मगध जय बिहार राम चंद्र की जय। भाई है सब और पाटिल से जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सौम्या के बोलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।